नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। गाजियाबाद में कुत्ते के काटने से 14 वर्षीय बच्चे की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को अधिवक्ता कुणाल चटर्जी पट्टी बांध कर अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों के हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट को कोई दिशा निर्देश देना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने अलग अलग फैसला दे रखा है। कोर्ट ने मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। तुषार मेहता ने 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में कुत्ते के काटने से हुई 14 साल के बच्चे की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और स्वतः संज्ञान लिए जाने की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई कर ली है, हालांकि इस मामले पर कोई आदेश फिलहाल नहीं दिया गया है। गाजियाबाद में विजयनगर थाना क्षेत्र में चरण सिंह कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय किशोर की 4 सितंबर को मृत्यु हो गई। परिजनों ने दावा किया कि बच्चे को करीब 1.5 महीने पहले पड़ोसी महिला के कुत्ते ने काट लिया था। तब बच्चे ने डर की वजह से बात फैमिली को नहीं बताई और रेबीज फैल गया, इस वजह से उसकी मौत हो गई। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।